हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनिक्स में पीडब्ल्यूडी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पीडब्ल्यूडी कमांड का क्या यूज है तो पीडब्ल्यूडी कमांड स्टैंड फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड तो पीडब्ल्यूडी का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और पीडब्ल्यूडी कमांड का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड तो दिस कमांड प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी और इन विच डायरेक्टरी करंटली यू आर प्रेजेंट तो ये कमांड क्या करता है ये कमांड करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है या फिर जिस भी डायरेक्ट्री में करंटली आप प्रेजेंट हो उस डायरेक्टरी को प्रिंट करता है उस डायरेक्ट्री के पात को प्रिंट करता है तो इट प्रिंट्स द करंट डायरेक्टरी नेम विद द कंप्लीट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट तो ये कमांड क्या करता है ये करंट डायरेक्टरी का जो नाम है यानी कि करंट डायरेक्टरी का जो पाथ है उसको प्रिंट करता है और ये जो है पाथ जो देता है ये कंप्लीट पाथ देता है स्टार्टिंग फ्रॉम रूट यानी कि यूनिक्स या लाइन में जो फाइल सिस्टम होती है वो रूट से फाइल सिस्टम जो है आ, लगी हुई होती है मतलब रूट पर जो है वो फैली हुई होती है फाइल सिस्टम तो पूरे रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक का जो है पूरा का पूरा पाथ क्या है वो कंप्लीट पाथ जो है ये कमांड प्रोवाइड करता है तो इसी पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ भी बोलते हैं तो दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट पाथ तो इस पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं मतलब रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी जिसमें आप करंटली प्रेजेंट हो तो रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक का जो है पूरा का पूरा जो कंप्लीट पाथ है उस कंप्लीट पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ भी बोलते हैं यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो pwd कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं तो सिंपली आपको यूनिक्स या लाइनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आपको टाइप करना है pwd और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है तो ये बताएगा कि करेंटली आप किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो या करेंटली आप किस डायरेक्टरी से वर्क कर रहे हो तो उस डायरेक्टरी का पूरा का पूरा ये पाथ शो करेगा तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ये हमारा लाइन का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हेड एंटरप्राइज लाइन 6 सिक्स का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अभी इस लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने लॉग नहीं किया है तो ओपन टर्मिनल से मैं लॉग इन करूँगा और लॉग इन करते ही जो है मैं किसी न किसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा तो पी कमांड को एग्जीक्यूट करके हम देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ क्या है तो आइए सबसे पहले जो है इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन करते हैं ओपन टर्मिनल से तो ओपन टर्मिनल से इस लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं तो ये मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहां पे ऑप्शन है ओपन टर्मिनल इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने क्लिक कर दिया और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस और ऊपर से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको ले जाकर के फिर सेट कर देते हैं तो ये जो है ओपन टर्मिनल से मैंने लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग कर लिया है और लॉगिन करते ही जो है मैं किसी न किसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया हूं तो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ जानने के लिए हम क्या करेंगे पीडब्ल्यूडी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मैंने पीडब्ल्यूडी इस कमांड को राइट करके अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये बताएगा कि करंटली आप किस डायरेक्टरी में हो तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये बता रहा है स्लैश होम स्लैश अनिल अभी करंटली मैं अनिल डायरेक्टरी में हूँ और ये कंप्लीट पाथ है जिसको मैंने कहा था अभी कि ये एब्सोल्यूट पाथ है एब्सोल्यूट पाथ कैसे है यूनिक्स या Linux में रूट जो है इसको इसको रूट बोलते हैं होम से पहले जो बैक स्लैश है इसको रूट बोलते हैं और इसके बाद होम डायरेक्टरी है और होम डायरेक्टरी के अंदर फिर अनिल नाम की डायरेक्टरी है और करंटली जो है मैं अनिल नाम की डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूं तो इस तरीके से हम पी डब्ल्यू डी कमांड को यूज करके ये जान सकते हैं कि करेंटली हम किस डायरेक्टरी से वर्क कर रहे हैं तो अब जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने अभी जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ उस डायरेक्टरी को ही मैं चेंज कर देता हूँ यानी कि किसी और डायरेक्टरी में जाकर के पी डब्ल्यू डी कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि किस डायरेक्टरी में मैं हूँ तो किसी और डायरेक्टरी में जाने के लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले एल एस कमांड चलाऊंगा तो एल एस कमांड क्या करेगा आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होगी वो सारे फाइल्स को ये डिस्प्ले कराएगा और उसमें हम किसी भी एक डायरेक्टरी फाइल को देखेंगे और उस डायरेक्टरी फाइल में घुस जाएंगे तो एल एस कमांड ये मैंने चला दिया यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी है मोदी नाम की डायरेक्टरी है तो इस डायरेक्टरी में जो है अब हम जाएंगे सी डी कमांड से तो यहां पर टाइप करेंगे सी डी स्पेस मोदी और एंटर तो अब जो है अब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अनिल नाम के डायरेक्टरी में था बट अब जो है अब मैं मोदी नाम के डायरेक्टरी में हूं तो अब मुझे जानना है कि मैं करेंटली किस वर्किंग डायरेक्टरी में हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा पी डब्ल्यू डी कमांड को टाइप करूंगा तो ये मैंने पीडब्ल्यू डी कमांड को टाइप किया तो ये बताएगा कि करंटली आप जो हो वो मोदी नाम के डायरेक्टरी में हो तो ये मैंने एंटर कर दिया तो अब जो है ये लास्ट में दिखा रहा है मोदी यानि कि पहले मैं अनिल नाम के डायरेक्टरी में था और अब जो है मैं मोदी नाम के डायरेक्टरी में आ गया तो अभी करंटली जो मैं वर्क कर रहा हूं वो मोदी नाम के डायरेक्टरी से वर्क कर रहा हूं अगर मैं एल एस कमांड इस पर चलाता हूं तो मोदी नाम के डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होगी उन्हीं फाइल्स को ये डिस्प्ले कराएगा तो एल एस कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो इस एल एस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहां पे जो मोदी नाम की डायरेक्टरी है इस मोदी नाम के डायरेक्टरी में अभी दो ही फाइल है अंजलि आई करके है और राजेश नाम की ये दो डायरेक्टरी ही है दो ही फाइल है तो अभी जो है मैं मोदी नाम की डायरेक्टरी मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो मोदी नाम की डायरेक्टरी है और मैं यहाँ से वर्क कर रहा हूँ अब मैं इस मोदी नाम के डायरेक्टरी से बाहर आना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगा सी फिर स्पेस और दो बार डॉट 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 और एंटर तो अब जो है मैं मोदी नाम के डायरेक्टरी से बाहर आ गया और अब मुझे चेक करना है कि अब मैं किस डायरेक्टरी में हूं यानी कि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है तो पीडब्ल्यू डी कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंटर प्रेस कर दिया तो अभी करेंटली मैं अनिल नाम के डायरेक्टरी में आ गया तो ये था पूरा का पूरा पीडब्ल्यू डी कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से C L E A R क्लियर और एंटर तो ये क्लियर हो गया तो ये था पी डब्ल्यू डी कमांड का यूज तो हमने एग्जाम्पल में पी डब्ल्यू डी कमांड को एग्जीक्यूट करके ये चेक किया कि भाई अभी करंटली हम किस डायरेक्टरी में है तो इसने बताया अनिल नाम के डायरेक्टरी में इसके बाद फिर एल एस कमांड को एग्जीक्यूट करके हमने जो है सारे फाइल्स को डिस्प्ले करा करके फिर मोदी नाम के डायरेक्टरी को चूज करके फिर मोदी नाम के डायरेक्टरी में गए तो मोदी नाम के डायरेक्टरी में जाने के लिए मैंने क्या किया था सीडी और सीडी के बाद डायरेक्टरी का नाम दिया था यानी कि मोदी और cd और स्पेस और मोदी नाम की डायरेक्टरी का नाम टाइप करके यानी कि मोदी को टाइप करके फिर मैंने एंटर प्रेस किया था और एंटर प्रेस करने के बाद मैं मोदी नाम की डायरेक्टरी में चला गया था और pwd कमांड को एग्जीक्यूट करके फिर मैंने चेक किया था कि किस डायरेक्ट्री में है तो इसने बताया था मोदी नाम के डायरेक्ट्री में हो आप और इसके बाद फिर मोदी नाम के डायरेक्ट्री से बाहर आने के लिए मैंने टाइप किया था सी स्पेस और फिर दो बार डॉट डॉट तो मोदी नाम के डायरेक्टरी से मैं बाहर आ गया था और उसके बाद फिर मैंने पी डब्ल्यू डी कमांड को एग्जीक्यूट किया तो इसने करेंट डायरेक्टरी का नाम दिया अनिल नाम के डायरेक्टरी में आप करेंटली प्रेजेंट हो तो ये था पी डब्ल्यू डी कमांड का यूज थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग